आज हम ऐसे कुछ देशों के बारे में जानेंगे जहां आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ हुस्न की परियां ही नजर आएंगी। इन परियों की खूबसूरती देखकर कोई भी इन पर फिदा हो सकता है। इन देशों की सबसे खास बात यह है कि यहां लड़के कम और लड़कियां ज्यादा हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन लड़कियों को एशियन कंट्रीज जैसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के लड़के बहुत पसंद आते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नंबर एक पर आता है लिथुआनिया। लिथुआनिया एक ऐसा देश है जहां लड़कियां इतनी ज्यादा हैं कि लड़कियों को यहां शादी करने के लिए लड़के नहीं मिलते। हो सकता है बातें सुनकर आपका भी मन वहां जाने को कर रहा हो, लेकिन आपके मन में जो लड्डू फूट रहे हैं उन्हें थोड़ा संभाल कर रखिए, क्योंकि पहले इस देश के बारे में तो जान लीजिए। आपको बता दें, इस देश की लड़कियां इतनी ज्यादा हैं कि यहां पर 100 लड़कियों पर सिर्फ 87 लड़के ही हैं, यानी 100 में से सिर्फ 13 लड़कियों को यहां जिंदगी भर सिंगल रहना पड़ता है। जहां भारत जैसे देशों में लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती, वहां इस देश में उल्टा है। यहां की लड़कियों को शादी के लिए लड़के नहीं मिलते। इस देश की एक खास बात यह भी है कि यहां लड़कियों की औसत आयु लड़कों से कहीं ज्यादा है। यहां के लड़कों की औसत आयु 70 साल है, वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो ये 81 है। ये देश डन और नॉर्वे के बीच में बसा है। ये देश इतना खूबसूरत है कि यहां की लड़कियों की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। यहां की लड़कियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी आंखें होती हैं, क्योंकि इस देश की लड़कियों की आंखें देखने में काफी रंग बिरंगी कलर्स की होती। इस देश की क्लाइमेट कुछ ऐसी है कि यहाँ की लड़कियाँ काफी एजेड होने के बाद भी जवान लगती हैं। हालांकि खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ की लड़कियाँ सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ स्पोर्ट में भी काफी आगे हैं। फुटबॉल और वॉलीबॉल यहाँ के फेवरेट गेम्स हैं। हमारे लिस्ट में दूसरा नंबर आता है लाटविया। ये एक ऐसा देश है जिसे कंट्रोल रिवर्स के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इस छोटे से देश में 12,000 से ज्यादा नदियां बहती हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेट स्पीड के मामले में भी ये काफी आगे वाला देश है। लेकिन आज हम यहाँ लड़कियों के बारे में बात करेंगे जो भी हद से ज्यादा खूबसूरत है। इस देश की कुल आबादी सिर्फ 19 लाख है। 19 लाख की इस आबादी में 54% से ज्यादा महिलाएं हैं, जबकि पुरुष सिर्फ 46%। यानी कि यहाँ की हर 100 महिलाओं में से 8 के पास शादी करने के लिए लड़के नहीं है। लेकिन इस देश की खास बात यह है कि लड़कों के कंपैरिजन में ज्यादा ही नहीं है, बल्कि दुनिया के बाकी कंट्रीज की लड़कियों के मुकाबले काफी खूबसूरत भी है। इन लड़कियों के स्माइल पर बड़े बड़े सख्त लड़के भी पिघल जाते हैं। खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ की लड़कियों की हाइट भी काफी लंबी रहती है। दूसरा, यहाँ की लड़कियों की एक खासियत ये भी है कि सेल्फ डिपेंडेंट हैं। आपको इस देश की एक और खास बात बताते हैं, वो ये है कि जिस जींस को आज दुनिया भर में पहना जाता है उसकी डिस्कवरी लाटविया ने ही की थी, और इस देश की लड़कियों ने पहली बार जींस पहनना शुरू किया था। वैसे ये देश अपने लेट नाइट पार्टीज के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। दुनिया भर के लोग यहाँ जिंदगी जीने के लिए आते हैं। बस यहाँ की लड़कियों को सर्वगुण संपन्न कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस देश की लड़कियां अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से मेंटेन रखती हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं रशिया की। रशिया की लड़कियां कितनी खूबसूरत हैं ये जानने के लिए एक वर्ड ही काफी है, वो है रशियन। दोस्तों, रशिया की ताकत और यहां की लाइफ स्टाइल से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन एक बात तो जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि यहां पर लड़के इतने कम हैं कि इस देश की लड़कियां दूसरे देश में जाकर शादियां कर रही हैं। भारत की बात करें तो भारत में भी रूस की लड़कियां बहुत ही फेमस हैं। रशिया से भारत घूमने आई सारी लड़कियों ने इंडियन लड़कों के साथ शादी की है। यहाँ की लड़कियाँ किस कदर खूबसूरत हैं ये तो हर कोई जानता है, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ काफी ओपन माइंडेड भी हैं। एजुकेशन के मामले में भी रशियन लड़कियां सबसे आगे हैं। हालांकि यहां एक गलत चीज ये देखने को मिलती है कि यहां बहुत सी लड़कियां दूसरे देशों में जाकर जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं, क्योंकि लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं कि हर जगह पसंद की जाती हैं और इस काम से इन्हें अच्छा पैसा भी मिलता है। इसलिए यहां बहुत सी लड़कियां इस तरह के काम करने में लगी हुई हैं। नंबर 4 पर है फिलीपींस। वैसे तो ये देश जाना जाता है अपने एजुकेशन को लेकर। यहां लोग मेडिकल रिसर्च के पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन अगर वहां की लड़कियों की बात करें तो उन्हें लड़के ऐसे बहुत पसंद हैं जो नेचर में बेस्ट हूँ। आपको बता दें कि फिलीपींस की लड़कियों को ना तो ज्यादा गोरे और ना ही ज्यादा काले लड़के पसंद आते हैं। वहाँ के लड़कियों को सांवले रंग के लड़के ज्यादा पसंद आते हैं जो फ्रेंडली नेचर के हों। देखा जाए तो क्वालिटी इंडियन में ज्यादा है और यहाँ की लड़कियों को इंडियन बॉस भी पसंद आते हैं। तो जो युवा फॉरेनर लड़की की तलाश में है और साथ ही एशियन टच चाहते हैं तो उनके लिए फिलीपींस बेस्ट चॉइस रहने वाला है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है ब्राजील। यहाँ एक गाँव की लड़कियों को शादी करने के लिए तरसना पड़ता है। कुंवारे लड़के ना मिलने की वजह से इन्हें शादीशुदा लड़कों से ही शादी करनी पड़ती। कई लड़कियां तो कुंवारे लड़कों के चाव में जीवन भर कुंवारी रहती हैं। ब्राजील में इस गांव में 18 से 30 साल की लड़कियों की भरमार है। तकरीबन 600 महिलाओं की आबादी
आबादी इस गांव में, जिसमें से 300 से ज्यादा लड़कियों की शादी करने के लिए लड़का नहीं मिल पा रहा है। यहां की लड़कियों की ऐसी सोच है, जिस लड़के से उनकी शादी हो वो लड़का शादी करने के बाद उन्हीं के गांव में आकर रहे। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है यूक्रेन। ये वही देश है जो रूस के खतरनाक हथियारों के सामने भी टिका हुआ है। रूस इस छोटे से देश की जान का दुश्मन बना है और युद्ध रोकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि यूक्रेन ने भी दुनिया को बता दिया है कि वो डरने वालों में से नहीं है। इस देश में लड़कियों की बात करें तो यूक्रेन दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहां लड़कियां लड़कों से कहीं ज्यादा है। यूक्रेन दुनिया का 45वां और यूरोप का दूसरा और सबसे बड़ा देश है। 40 मिलियन की आबादी वाले इस देश में महिलाओं की कुल आबादी लगभग 54% है। रशिया और यूक्रेन की क्लाइमेट कंडीशन की बात करें तो बहुत काफी मिलती जुलती है, जिसकी वजह से लड़कियां भी रशियन गर्ल्स की तरह गोरी, चिट्टी, लंबी और हॉट हैं। कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ स्वर्ग से कम नहीं हैं। ब्यूटी विद ब्रेन नाम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको इस देश में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि खूबसूरत होने के साथ साथ एजुकेशन के मामले में भी यहाँ की लड़कियाँ काफी आगे हैं। लेकिन इतना सब सही कुछ होने के बाद भी यहाँ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में इस देश में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। वहीं वॉर की वजह से बहुत सारी लड़कियाँ दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ की लड़कियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छठे नंबर पर बात कर लेते हैं नीदरलैंड की। इस देश में भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसा पाया गया है कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही आसानी से पट जाती हैं। जहाँ इंडिया में लड़कों को कई साल तक लग जाते हैं तब जाकर कहीं एक लड़की पटती है, लेकिन यहाँ आसानी से लड़कियाँ पट जाती हैं। एक फैक्ट ये भी है कि नीदरलैंड दुनिया भर में सबसे ज्यादा रेड लाइट एरिया भी है। इसके साथ ही साथ यहाँ की लड़कियाँ खुद ही लड़कों को इम्प्रेस करने में लगी रहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या सिर्फ यूरोप की ही बात करते रहोगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में आखिरी देश हमारा पड़ोसी नेपाल है। पहाड़ों की गोद में बसा ये छोटा सा देश खुद जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत यहाँ की महिलाएं भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ जहाँ इंडिया लड़कियों की सेफ्टी के मामले में काफी पीछे है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ लड़कियाँ सबसे ज्यादा सेफ है। यहाँ के पहाड़, नदियाँ, हरियाली और यहाँ के खूबसूरत महिलाएं हैं। इस देश को सबसे खूबसूरत बनाती है नेपाल की महिलाओं का लाइफ स्टाइल। खानपान इतना सिंपल और अट्रैक्टिव है, कोई भी यहाँ की लड़कियाँ आसानी से फिदा हो जाती हैं। यहाँ की लड़कियों का गोरा रंग, लाल गाल, छोटी आंखें और प्यारी सी मीठी बोली देखकर कोई भी इन लड़कियों पर फिदा हो सकता है। नेपाल की टोटल पॉपुलेशन में 53% अकेली लड़की ही है, जो काफी ज्यादा है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको नेपाल जाने के लिए किसी भी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपने देश की तरह वहाँ घूम सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।